आपने पैकिंग से मुझे याद आया, जब मॉड्यूलर किचन किसी घर में इंस्टॉल होता है तो तब पूरे प्लैंक्स में आता है, जैसे कि आपका ओवरहेड शटर है वो एक प्लैंक में आता है, ए राइट साइड का, लेफ्ट साइड का, नीचे के शटर्स अलग प्लैंक्स में आता है, जबकि मिस्त्री बनाता है तो प्लैंक्स में काम नहीं होता है, तो ये क्या फर्क है, ये थोड़ा समझाइए। बाय द वे, मिस्त्री को जो ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ डब्बा बनाने का और शटर बनाने का जो उसको नॉलेज है, वो ये है कि पहले वो सारे डब्बे डब्बे बना लेता है, फिर वो सारे शटर शटर बनाता है। वो शट बॉक्स वो एक पहले ही 3D शेप में बना के वो लगा देता है, क्योंकि उसको 3D उसी समय दिखाई दे रहा होता है। बट जो मशीन्स हैं वो 3D शेप रीड नहीं कर सकती, जब उसको हम लोग प्लाईवुड या किसी मटेरियल में काम करना है, वो 2D शेप ही रीड कर सकती है। सो वो क्या होता है कि सारे जो प्लैंक्स हैं वो बाद में असेंबल किए जा सकें पहला तो, और जो पैकिंग साइज़ है वो कम हो जाए, ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। क्योंकि उनको उस जगह नहीं लगाना है जहाँ वो बन रहा है, बराबर वो जो लोकेशन है जहाँ वो लगने वाला है वो अलग है। सो कॉस्ट ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन्वॉल्व होता है पहला तो, बराबर कि पैकिंग साइज़ कम हो जाए, तो सारी जो साइड साइड के प्लैंक्स हैं उनको अलग अलग करके, अगर मैं ऐसा एक ये बना दूँ उसका बंडल ग्रुप बंडल पूरा, बना दूं, हाँ बॉक्स, तो फिर वो बहुत कम साइज लेगा पहला तो, एंड देन उसको वहां जाके असेंबल करना भी बहुत ज्यादा आसान और फास्ट हो जाता है, क्योंकि वो मिनीफिक सिस्टम होता है उसके अंदर। सिर्फ ऐसा किया, लगाया, एंड देन इट इज डन। तो ओके। उसका वो फायदा है प्लैंक सिस्टम का। मोरवर सर प्रवीण, मैंने ये देखा है कि जब मिस्त्री घर पे काम करता है किचन का, तो जब वो आपने पहले कहा कारकेस ठोक देता है और लटका देता है, तो वो खिल्ले से पूरा किचन का कारकेस जोड़ देता है और उसके बाद निकाल के फिर उस पर सनमाइका लगाता है, जबकि इसमें आप तो कह रहे हैं लैमिनेट पहले से ही लगा होता है, तो फिर तो उसके ऊपर नेल कर ही नहीं सकता, नहीं तो नेल दिख जाएगा यस आपका, करेक्ट, तो इसके लिए मिनी स्क्रू जैसे आप बोल रहे हैं, मिनी मिनी फिक्स, फिक्सेस, हाँ वो यूज़ किए जाते हैं, उस हिसाब से काम किया जाता है। ओवरहेड शटर्स में भी मैंने बहुत अच्छे अच्छे मैकेनिज्म्स देखे हैं जिसमें आप टच करके वो ऊपर जाते हैं, कईयों में जिस जगह चाहिए वहाँ रोक सकते हैं, कईयों में हाइड्रोलिक पंप्स की जगह कोई कैची जैसा मैकेनिज्म भी आता है, और ये सारा, इसके बारे में कुछ बताइए, ओवरहेड स्टोरेजेस में जो नए नए मैकेनिज्म्स आए हैं जिन्हें क्या कहते हैं। जो सर्वो ड्राइव की बात कर रहे थे, उसी कंपनी का ही वो भी प्रोडक्ट है, बट थोड़ा अलग तरह से काम करता है वो। उसमें भी बटन तो सेम ही होता है, मतलब जो जिस जगह वो ट्रिगर करेगा तो ट्रिगर पॉइंट से, लेकिन इस बार वो जाता है उसके एक हिंज पंप पे। वो हिंज पंप अल्टीमेटली हाइड्रोलिक और इलेक्ट्रिसिटी वाइज कंट्रोल रहता है। वो क्या करता है, उस शटर को फिर आपके लिए खोल देता है एंड वो जाके रुक जाता है। एंड लेकिन सबसे खूबसूरत बात उसकी यह है कि आप उस बटन को वापस दबा देंगे, क्योंकि एक बार तो शटर खुल गया तो आपको वापस बंद करने के लिए भी उसको प्रॉब्लम है, तो उसी बटन को आप दबा देते हैं तो वापस उसको खींच के बंद भी कर देता है। एंड वो सॉफ्ट क्लोज भी फील है और काफ़ी प्रीमियम भी फील है, लेकिन अदर सेम उसके आप कोई प्रॉब्लम है कि वो महंगा आइटम है थोड़ा सा। एवेंटोस कहते हैं उसे, एवेंटोस फिटिंग क्या चीज़ है। एवेंटोस फिटिंग एक्चुअली ऐसा है कि वो दो शटर्स समझ लीजिए, ओवरहेड स्टोरेज के जो शटर्स है कभी कभार बहुत हाइट में बढ़ जाते हैं, तो बराबर, दो शटर्स हॉरिजॉन्टल हाँ साथ में ओपन करने के लिए वो एवेंटोस फिटिंग आती है। वो उसको आप ओके, ऐसे ट्रिगर करेंगे तो दो शटर्स ऐसे करके खुल जाते हैं, बराबर एंड है, वापस बंद करने के लिए इसी शटर को आप खींचेंगे तो ऑटोमेटिकली आके बंद हो जाता है वो। ओके। और इन सब फिटिंग्स की कॉस्टिंग जनरल क्या रेंज में आते सी हैं। एवेंटोस कैन स्टार्ट फ्रॉम अराउंड 8,000 to 12,000 डिपेंडिंग ऑन शटर साइजेस और उसका वेट कैपेसिटी के हिसाब से आता बराबर है। एवेंटोस इज बेसिकली नेम ऑफ अ हैफले ब्लूम प्रोडक्ट, ओके, ऐसे और भी कंपनीज में आते हैं। एंड बाकी जो आप वो टच एंड फील वो ऐसा हाँ ओपन होने की वाली बात कर रहे थे, वो वापस एक महंगा आइटम है, 20-25 हज़ार रुपये उसके भी लगते हैं। बराबर है, और वो एक कैंची जैसा एक आइटम आता है जो ऐसा खुलता है वो, वो इनफैक्ट काफ़ी सस्ता आइटम है, लेकिन वो छोटे शटर्स पे यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ एन सब्स्टिट्यूट टू द गैस पंप्स। अगर हमें शटर्स ऐसे खोलना है ऊपर की तरफ, तो ट्रेडिशनल क्या चीज़ यूज़ करेंगे आप, हाइड्रोलिक जो गैस पंप्स आते हैं उसको, तो वो बराबर, उसको पुश कर सकता है और होल्ड कर सकता है उसका वजन। तो जो कैची फिटिंग है, कैची फिटिंग क्या होती है कि उसमें कोई भी पावर नहीं खुद का, इट कैन जस्ट होल्ड इन टू सम स्टेप्स। तो वो क्या होता है, छोटे शटर्स में आप लगा सकते हैं, पर काम वही करेगा, वो कहीं पे भी जाकर रुक जाएगा जहाँ आप चाहो, क्योंकि एक थोड़ी थोड़ी देर में वो गियर जैसे लॉक होता जाता है, ओके तो वो अपने आप जो जगह आप रुकोगे वहाँ पर जाके वो हॉल्ट हो जाएगा। वो रिलेटिवली बराबर सस्ता भी है गैस पंप से, बट छोटे शटर्स पर ही वो यूज़ कर सकते हैं। बराबर है।
और गैस पंप्स जनरली मुझे खुद को थोड़े से अगली लगते हैं, दिखने में इतने अच्छे नहीं लगते, तो फिर उसके लिए कुछ अल्टरनेटिव है कि यही लेटेस्ट? सी बेसिकली जैसे आपने वो दूसरे जो नए फिटिंग्स कहा वो थोड़े से दिखने में खूबसूरत भी होते हैं, गैस पंप्स आजकल क्या है उसका साइज़ के हिसाब से ही उसका वेट कैपेसिटी डिराइव होता है, तो आप उसको छुपा तो नहीं सकते, लेकिन ऐसे कुछ तो टेक्नोलॉजी डेवलप्स हो रही हैं जो आपकी एज के अंदर ही हिंजेस बहुत छोटे छोटे हो जा रहे हैं और उसी को ही फिर आप कर सकते हैं, वो इतने छोटे नहीं हैं और इतने इफेक्टिव नहीं क्योंकि अल्टीमेटली उसको पूरा शटर का लोड लेना है, तो हाइड्रोलिक से अच्छा टेक्नोलॉजी उससे अभी तक एग्जिस्ट नहीं करता है टू होल्ड द शटर का वेट। बराबर है। अभी मैं हिंजेस के बारे में जानना चाहूँगा, किचन्स में जनरली कैबिनेट हिंजेस या सॉफ्ट क्लोज हिंजेस हैं और पहले ट्रेडिशनल एल शेप या सी शेप हिंजेस आते थे, तो ये क्या है ये थोड़ा आप बता दें। सो ट्रेडिशनल हिंजेस आर पाइवेट बेस्ड, यानी कि उसमें सेंटर में एक पाइवेट होता है एंड दो फ्लैप्स होते हैं जो कि या तो सिमेट्रिकल भी हो सकते हैं या तो थोड़े से असिमेट्रिकल भी हो सकते हैं, बट अल्टीमेटली इट रिवॉल्व्स अराउंड अ पाइवेट और वो सिर्फ आपको अलाउ करता है कि आप उसको खोल लो या बंद कर सकें। जो कैबिनेट हिंजेस हैं जिसको ऑटो हिंजेस भी बोलते हैं, सॉफ्ट क्लोज हिंजेस भी बोलते हैं, वो हिंजेस क्या करते हैं, दे आर मेड डिफरेंटली ऑल टुगेदर, उनका मल्टीपल पाइवेट पॉइंट्स होते हैं उसके अंदर एंड वो क्या करता है आपको एक सेंस ऑफ सॉफ्ट क्लोज जो फील है वो देता है, यानी कि आपने थोड़ा सा बंद कर दिया उसको तो वो थोड़ा सा आगे जाके इधर आने के बाद ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगा, वैसे खोलते वक्त भी थोड़ा सा खोला तो बाकी पूरा खुल जाएगा। और उसमें और भी चीज़ें जैसे कि जो कारपेंटर्स हैं या मॉड्यूलर फर्नीचर मैन्युफैक्चरर्स हैं उनको काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाती है उनके अंदर, क्योंकि वो मॉड्यूलर के अंदर क्योंकि शटर के अंदर लगने का फिक्स जगह एक हो जाता है एंड शटर पे लगने का एक फिक्स जगह हो जाता है और वो अलग अलग प्लैंक पे अलग अलग दो पीसेस में लगता है, वैसे नॉर्मल पाइवेट हिंजेस में ऐसा नहीं होता है, तो मॉड्यूलर फ्रेंडली भी बहुत ज़्यादा है वो, लेकिन इसी उसका वेट कैपेसिटी कंपेयर टू ट्रेडिशनल हिंजेस कम है थोड़ा सा, बट उसको हम जो इंटीरियर डिज़ाइनर्स हैं वो क्या करते हैं मल्टीपल हिंजेस यूज़ करते हैं ताकि सॉफ्ट क्लोज फील भी आए और वेट कैपेसिटी भी बैलेंस हो सके। प्रवीण अभी मैं जानना चाहूँगा जो सबसे मेन एलिमेंट है किचन का वो है ट्रॉलीज और टैंडम, जो आजकल नया कंसेप्ट आया टैंडम बॉक्स, ये दोनों क्या है? इसमें भी टैंडम में भी बहुत तरीके की चीज़ें हैं, ड्रॉर ऑर्गेनाइजर, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप इन पूरे के बारे में थोड़ा बता दीजिए। दूसरा मैं ये भी चाहूँगा कि आप ये बताइए कि इनका कोरिलेशन कैसे, ट्रॉलीज रखना है, कहाँ मसाला पुल आउट रखना है या ओवरहेड कैसे डिज़ाइन करना है, थोड़ा सा उस पर भी आप प्रकाश डालिए। वैसे तो ये काफ़ी यूज़फुल चीज़ है जानने के लिए हर एक आदमी के लिए, लेकिन क्योंकि ये बहुत डिटेल टॉपिक है मैं इसको सिर्फ शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। बेसिकली ट्रॉलीज जो हैं वो एक तरह के ड्रॉवर सिस्टम है, पहले शेल्फ्स होते थे तो हमने उसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई यूज़ करने के लिए डेप्थ प्लेटफॉर्म के नीचे का अच्छा यूज़ करने के लिए उसको चैनल्स पे लगा दिया और वो स्टील की बनती थी जो ओपन होती थी काफ़ी। सो इन ट्रॉलीज को आपके घर में, सबके घर में होती है जनरली आज के डेट में, और स्पेशली अपार्टमेंट स्टाइल इंटीरियर्स हैं तो होंगे ही। उसका जो एक अपग्रेडेड वर्जन जो है उसको हम टैंडम बॉक्सेस कहते हैं। टैंडम बॉक्सेस भी एक तरीके का ड्रॉवर सिस्टम ही है, लेकिन उसके जो चैनल्स हैं वो नई टेक्नोलॉजी है। ये जो पुराने चैनल्स थे वो टेलीस्कोपिक चैनल्स हैं जो कि बॉल बेयरिंग मैकेनिज्म पे चलती हैं, एंड जो नई वाली टेक्नोलॉजी है वो बॉल बेयरिंग मैकेनिज्म नहीं है, स्प्रिंग मैकेनिज्म से चलता है वो, एंड एक दूसरे का जो है उसका जो बॉन्डिंग है दो चीज़ों का वो काफ़ी अच्छा है टेलीस्कोपिक से, मतलब वेट कैपेसिटी ओवरऑल बढ़ जाता है एंड उसके साथ सॉफ्ट क्लोज भी एडेड उसमें फीचर देखने को मिलता है हमें। सो वो चैनल्स वैसे थोड़े बड़े होते हैं, भारी भरकम होते हैं, लेकिन उनका वेट कैपेसिटी इंप्रूव हो गया एंड जो बाकी के पोर्शंस हैं वो हमको खुद बनाने पड़ते हैं प्लाईवुड से या कवर करने पड़ते हैं, बट ओवरऑल दिस लुक्स प्रीमियम, थोड़े महंगे भी हैं बट अदरवाइज उसको बंद करने का खोलने का जो एक्सपीरियंस है, जो सॉफ्ट क्लोज फील की हम बात कर रहे हैं, वो टैंडम में हमें देखने मिलता है। तो आपका ये कहना है कि ट्रॉली से अच्छा टैंडम है वेट कैपेसिटी अनुसार और यूजेबिलिटी के अनुसार? 100% एवरी टाइम दैट इज बेस्ट। तो इस बेसिक फर्क आपका ये कहना है कि उसके टेक्नोलॉजी में एक रिट्रैक्टेबल है, दूसरा बॉल बेयरिंग के ऊपर टेक्नोलॉजी, ये बेसिक फर्क है। यस ठीक है। अभी मैं जो मेरे दूसरे सवाल पे आता हूँ कि इसका अरेंजमेंट कुछ थंब रूल है कि कहाँ ट्रॉलीज, कहाँ यूटेंसिल्स, कहाँ मसाला पुलाव, इसके बारे में कुछ बताएंगे? एक जो सबसे बेसिक थंब रूल है जो हर कोई फॉलो कर सकता है विदाउट एनी थिंकिंग, वो है कि अगर आपके पास जगह कम भी है तो चार ऐसे ट्रॉलीज आपको रखने ही चाहिए जो कि सबसे ज़्यादा यूजफुल है। आपके कुकटॉप है जहाँ पर आपने कुकटॉप अपना पहले प्लान कर लिया, आइडियल जो प्लानिंग के हिसाब से, ट्राइंगल के हिसाब से,
उसके जो नीचे का जगह है प्लेटफॉर्म के नीचे, उसमें आप तीन ट्रॉलीज एक लीनियरली एक चेस्ट उसका बना सकते हैं, ये तो कंपलसरी जैसा आप इमेजिन कर सकते हैं। जो पहला ट्रॉली होगा सबसे टॉप मोस्ट, उसके अंदर आप कटलरी रख सकते हैं, चम्मच वगैरह या पकड़ जो भी है, ऐसी सब छोटी छोटी चीज़ें हैं, चाकू, ये जो डेली आइटम्स हैं, छोटे होते हैं, हाइट में भी कम होते हैं, वो कम हाइट में उसको अचीव कर सकते हैं क्योंकि वो डेली लगता रहता है। जैसे कुकटॉप के अंदर कुछ चम्मच लग रहा है, खोला और उसको यूज़ कर लिया। उसके जो नीचे के दो सेक्शंस हैं उनकी हाइट अभी धीरे धीरे बढ़ती जाएगी, जो समझ लीजिए अगर 5-6 इंच का साइज है कटलरी ट्रे का, तो उसके नीचे फिर प्लेट कप सॉसर बास्केट आ जाता है। कप सॉसर बास्केट में आपकी कप सॉसर ग्लास वगैरह ये सब चीज़ें रह सकती हैं, छोटी प्लेट भी रह सकती हैं अगर आपके पास जगह अच्छी खासी है तो। वो थोड़ी सी बड़ी होगी कटलरी ट्रे से। और जो सबसे नीचे वाला पोर्शन है उसको हम थाली रैक या थाली बास्केट कहते हैं। तो बड़ी जो प्लेट्स हैं आपके घर में जिसमें आप खाना खाते हैं या कुछ सर्व करना चाहते हैं वो उधर रख सकते हैं, लेकिन उसको हाइट ज़्यादा लगती है कंपैरेटिवली। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं लाइन से हो सकती हैं, एक के नीचे एक, एंड वो एक ही जगह में ख़त्म हो गया। उसके अलावा एक और चीज़ जो आपको लगती है वो है मसाला पुल आउट। जो मसाला पुल आउट इज़ बेसिकली वर्टिकल काइंड ऑफ स्टोरेज, ये जितने थे वो हॉरिजॉन्टल थे, ये हॉरिजॉन्टल के बाजू में या तो राइट में या तो लेफ्ट में आप मसाला पुल आउट रख सकते हैं। उसमें 2-3 tier आते हैं डिपेंडिंग आपको कितने बड़े उसके अंदर सामान रखना है, तो वो आप एक हाथ से खोल के पूरा चीज़ एक ही साथ में उसको देख सकते हैं। एक बहुत लोग का एक स्टैंडर्ड रूल है कि वो राइट साइड में ही मसाला पुल आउट रखते हैं, बट ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है वो। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका जो कुकटॉप है वो एकदम राइट की तरफ चला गया है आपके प्लेटफॉर्म में, तो आप उसको लेफ्ट तरफ भी रख सकते हैं। कुछ लोग मेरे घर पर जैसे कि जो लेडीज़ हैं वो राइट हैंड से खाना बनाती है, उनको लेफ्ट हैंड उनका फ्री होता है, तो लेफ्ट हैंड से मसाला पुल आउट खींच सकते हैं। किसी किसी का अलग हैबिट होता है तो वो राइट हैंड से पुल करते हैं। तो ये चार चीज़ें आप बेशक कैसे भी वापर सकते हैं कैसे भी तरह से। अभी एक बात बताइए, ट्रॉली और टैंडम में जो महंगा पड़ता है टैंडम वो कितना गुना महंगा होता है? यानी कि हम ट्रॉली का किचन बनाए और टैंडम का, तो परसेंटेज वाइज कितना फर्क पड़ जाएगा मुझे पूरे किचन पे या सिर्फ इस हार्डवेयर पे? वैसे इसका भी रेंज काफ़ी ज़्यादा है, तो इसको समझना थोड़ा सा ट्रिकी हो सकता है नॉर्मल यूज़र्स के लिए। लेकिन अगर मैं आपको बात बताऊं, ट्रॉलीज जो होते हैं वो भी दो ग्रेड्स में अवेलेबल है, जैसे 202 grade और 304 grade। वैसे टैंडम्स जो होते हैं वो अलग अलग कंपनी वाइज अलग अलग रेट के भी आते हैं, और उनके वेट कैपेसिटी वाइज भी वो अलग अलग पैसों वाइज वो कंपेयर किए जा सकते हैं उनको। तो बात ऐसी है कि अगर आप 202 से टैंडम कंपेयर करेंगे तो आपको टैंडम हमेशा महंगा लगेगा, पर आप 304 grade ऑफ ट्रॉलीज से अगर आप टैंडम कंपेयर करेंगे तो फ़र्क बहुत ज़्यादा नहीं है। बट टैंडम अदरवाइज बनाने में महंगा पड़ जाता है, क्योंकि टैंडम यानी वो सिर्फ चैनल में आता है। ट्रॉलीज में क्या होता है, आप ट्रॉलीज पूरा खरीदते हैं और चैनल अलग से खरीदते हैं, चैनल का प्राइस कम है, यहाँ पे चैनल्स का प्राइस ज़्यादा है। लेकिन बाद में उसको बनाने के, उसका बेस बनाने के लिए, उसका बैक बनाने के लिए, उसको असेंबल करने के लिए, एंड सिर्फ बाद में उसको वहाँ पे जाके इंस्टॉल करने के लिए, अदरवाइज़ उसका जो एक्स्ट्रा कॉस्टिंग है वो थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। तो समझ लीजिए आप एक नॉर्मल ट्रॉली से 40-50% तक कॉस्ट बढ़ता है एक टैंडम में। और ब्रांड अगर अच्छा जाते हो, हैटिच, हैफले, ब्लूम, जो और भी जर्मन ब्रांड्स हैं, तो उनमें जाते हो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा पैसा आपको चुकाना पड़ेगा फॉर टैंडम। ओके, अभी मुझे एक बात बताइए, जो एल शेप किचन रहते हैं उनके कॉर्नर का यूटिलिटी कैसे करें जो एल शेप किचन है उनमें? कॉर्नर्स के लिए ऐसे आजकल सिस्टम्स आ गए हैं जिनको मैजिक कॉर्नर्स या कराउजल्स बोलते हैं। सो बेसिकली वो होते ऐसे हैं कि वो आपके कॉर्नर में जाके अटक जाते हैं, और जैसे ही आप उसको शटर आपने पुल किया तो वो कॉर्नर के साथ पूरा बाहर आ जाता है स्टोरेज, उनको पाइवट में और चैनल्स फॉर्म में वो बनाया गया है। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये है कि उसमें वेट बहुत ज़्यादा रख नहीं सकते, क्योंकि दो तरह के मैकेनिज्म यूज़ हो रहे हैं, उसको बाहर भी आना है और ऐसा भी बाहर आना है, तो उसके ऊपर सामान बहुत ज़्यादा लोड नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट वो जो कॉर्नर वेस्ट हो रहा था तो वो तो यूज़ में आ ही जाता है। दूसरा मैं जानना चाहूँगा टॉल यूनिट के बारे में। आजकल फ्रिज जैसे टॉल यूनिट्स आए हैं और उन्हें भी पुल करके टर्न किया जा सकता है ऐसे सब में? यस, ये काफ़ी लेटेस्ट चीज़ें हैं 2023 के केस में अगर हम बात करें तो। बहुत लोग अवेयर नहीं है इसको बात में, लेकिन अगर आप नए जो भी ट्रेंडी इंटीरियर घरों में जाते हैं जहाँ पे किचन के लिए स्पेस भी ज़्यादा है, तो पैंट्री यूनिट बनाते हैं जिसको आप टॉल यूनिट कह रहे हैं। सो टॉल यूनिट या पैंट्री यूनिट अल्टीमेटली सेम ही चीज़ है। सो वो क्या होता है, जो खड़ा स्टोरेज है, जैसे मसाला पुल आउट खड़ा स्टोरेज है, वैसे ही वो पैंट्री यूनिट एक वर्टिकल स्टोरेज है जो काफ़ी ऊंचा तक जा सकता है, 6-7 feet तक। एंड उसको फिर हम जब खोलते हैं तो उसके अंदर बहुत सारे टीयर्स ऑफ छोटे छोटे ट्रॉलीज होते हैं या फिर छोटे छोटे सेक्शंस होते हैं, तो उसमें आप मल्टीपल छोटे आइटम्स रख सकते हैं।
एंड बड़े आइटम्स भी रख सकते हैं लेकिन लोअर वाले सेक्शंस में, और उनके भी वेट कैपेसिटी आती है और अलग अलग ब्रांड आते हैं, वो भी एक नया प्रोडक्ट है और अच्छा लगता है अगर आप डालना चाहें तो। किचन में मैंने एक और रोलिंग शटर का भी प्रयोग देखा है, तो उसके फायदे क्या हैं नॉर्मल शटर से? वैसे मुझे पर्सनली एज अ पर्सन तो रोलिंग शटर बहुत ज़्यादा पसंद नहीं है, उसके दो रीजंस हैं। रोलिंग शटर्स क्या होता है कि वो आपके प्लेटफॉर्म के ऊपर से शुरू होता है, यानी समझ लीजिए ये प्लेटफॉर्म है, इस पे ही रखा जाएगा उसको एंड शुरू होगा और ओवरहेड के साथ मर्ज हो जाएगा वो। उसका फ़ायदा ये है कि उसको जो वो जो उसका इफेक्ट है रोलिंग शटर जैसा, उसके अंदर आप सामान रख सकते हैं, मिक्सी रख सकते हैं अपना एंड छोटे मोटे और भी आइटम्स से, कुछ टोस्टर वगैरह वो भी इसमें रह जाएगा, कुछ कटलरी भी रह जाएगी एंड वो इजी टू एक्सेस है, यानी प्लेटफॉर्म के ऊपर ही है तो आपको बहुत ज़्यादा ऊंचा कुछ शटर खोलने की जरूरत नहीं पड़ती है, उसका वो फ़ायदा है। बट क्योंकि प्लेटफॉर्म स्पेस मुंबई जैसे एरिया में, कोई भी अपार्टमेंट मेट्रो सिटीज़ में जो प्लेटफॉर्म के साइजेस पहले से छोटे होते हैं, अगर वहाँ पर आप रोलिंग शटर प्लेस करते हैं तो वो काफ़ी जगह ले लेता है प्लेटफॉर्म का। अगर आपके पास लेवरेज है स्पेस का तो आप रोलिंग शटर डेफिनेटली ले सकते हैं, वो काफ़ी ईजी टू एक्सेस होता है। अभी किचन ऐसी जगह है जहाँ सबसे ज़्यादा काम होता है और वहाँ पे बहुत सारे एक्सेसरीज यूज होते हैं, तो क्या क्या एक्सेसरीज है राइट फ्रॉम चिमनी टू हॉब आप बता सकें, या जो आपका वाटर प्यूरिफायर है इसके बारे में कुछ बता सकें हमें? तो तीन चार चीज़ें जो हर एक किचन में डेफिनेटली होती हैं, उसके अलावा और एक्स्ट्रा चीज़ें भी हैं। इन इक्विपमेंट्स में सबसे पहला तो आपका गैस स्टोव ही आ गया एंड गैस स्टोव के ऊपर चिमनी हम लेते ही हैं आजकल केस में, क्योंकि ऊपर स्टोरेज बना रहे हैं तो अदरवाइज़ वो धुआं और तेल के दाग उसको ख़राब कर देगा, तो हम चिमनी तो लगाते ही हैं। चिमनी के अलावा आपका जो वाटर प्यूरीफायर है वो जो है वो सिंक के आसपास में ही होता है, क्योंकि आर ओ वाटर प्यूरीफायर में से तो पानी भी निकलता रहता है, तो जनरली उसका वो प्लेसमेंट हम वहाँ पर रख देते हैं। एंड देन आपका फ्रिज हो जाता है, फ्रिज भी बहुत ज़्यादा एरिया ले लेता है क्योंकि जो आजकल के फ्रिजेस हैं ज़्यादा स्टोरेज देने की कोशिश करते हैं, डबल डोर होते हैं, साइड बाय साइड रेफ्रिजरेटर्स होते हैं, वो तो बहुत ही बड़े और बल्की भी होते हैं, सो वो एक इंडिविजुअल जगह ले लेता है। एंड देन आपका ओवन होता है, आपके पास ओटीजीज होते हैं और बहुत केसेस में आपके पास पूरा कुकिंग रेंज भी लगाते हैं लोग, जहाँ पे कुकटॉप रखा है उसी के नीचे पूरा रेंज है, तो उसके हिसाब से वो काफ़ी बल्की एक जगह ले रहा है, इलेक्ट्रिक पावर ले रहा है। और बहुत लोगों के पास मॉडर्न जितने भी मेट्रो सिटीज़ बन रही हैं उनके पास डिशवॉशर भी रखते हैं वो लोग, एंड कहीं कहीं पे वॉशिंग मशीन रखने की जगह नहीं होती है तो ड्राई बालकनी जो किचन से अटैच होता है उसके अंदर भी सामान रखा जा रहा है। तो कुल मिला के देखे जाए तो इतने सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स, रेडियो एक्टिव इक्विपमेंट्स सारे एक ही जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड होते हैं वहाँ पे। बराबर है। जनरली किचन को मंदिर भी रखने की जगह बनाई जाती है, क्योंकि मंदिर के लिए कहीं और जगह नहीं बचती। यस, इसके बारे में कुछ बताएंगे? सी आइडियली एक स्पेशल जगह होनी चाहिए मंदिर के लिए, लेकिन क्योंकि मंदिर जब देखते हैं हम एक डायरेक्शन भी सबसे पहले उसके लिए देखते हैं कि ईस्ट मिल जाए या ईस्ट वेस्ट फेसिंग मिल जाए तो उस जगह मंदिर हो जाए। और हॉल में इसलिए नहीं लगते हैं क्योंकि सबकी नज़र जनरली मंदिर पर नहीं पड़े तो अच्छा है, और बेडरूम में इसलिए नहीं लगते हैं क्योंकि वो स्लीपिंग एरिया है तो वो लोग प्रीफर नहीं करते, तो फिर जगह बचती है किचन। फिर किचन में फिर ओवरहेड स्टोरेजेस में कोई लोग डाल देते हैं, या फिर आपके पास प्लेटफॉर्म ख़त्म होने के बाद एक्स्ट्रा स्पेस बचा है तो आप वहाँ डाल देते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्पेस का लेवरेज बहुत ज़्यादा है, अगर आप मेट्रो सिटी में नहीं रह रहे हैं, फ्लैट में नहीं रह रहे हैं और बंगलों में रह रहे हैं, या फिर आपके पास स्पेस अलॉट करने की जगह है, तो आप मंदिर में भी सॉरी किचन में भी आप एक अलग सेक्शन ऑफ मंदिर का एरिया बना सकते हैं, तो वो अच्छा लगता है। और सुबह सुबह किचन में भी जाते हैं, सुबह सुबह मंदिर में भी जाते हैं, तो वो एरिया एक वेल डिफाइंड एरिया है मेरे ख्याल से। तो किचन में सबसे ज़्यादा स्टोरेज मैनेज किया जाता है, तो ड्रॉअर ऑर्गेनाइजर्स या स्टोरेज मैनेजमेंट के लिए कुछ आता है क्या? यस, वैसे किचन के लिए काफ़ी एक्सेसरीज आती हैं, स्पेशली जब से टैंडम्स यूज़ करने लगे हम, तो टैंडम क्या होता है बेसिकली खुद में कोई स्टोरेज उसके अंदर होता नहीं, वो प्लेन होता है अंदर से, यानी खाली एक आपको जगह दी जा रही है, उस खाली जगह को आपको यूटिलाइज कैसे करना है उसके लिए आपको सेपरेट फिर एक्सेसरीज लगती हैं। जैसे अगर आपको कटलरी बास्केट बनाना है उसको, तो कटलरी ट्रेस डाल दीजिए उसके अंदर, तो फिर वो चम्मच वाला चीज़ सेटअप आपका बन जाएगा और उसमें आप चम्मच रख सकते हैं। फिर उसके नीचे वाले जो सेक्शन है वो भी खाली हैं, तो उन सेक्शंस में आपको अगर प्लेट रखनी है, छोटे कप सॉसर रखने हैं, तो उसके लिए एक अलग एक्सेसरी है, वो आप रैक आते हैं, प्लेट रैक्स आते हैं, थाली रैक्स आते हैं, तो वो आप उसके अंदर रख दीजिए एंड उसको फिर उस पर्पस के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं। वैसे अगर आपको पॉट्स पैन्स जार्स रखना है जो और एक्स्ट्रा ट्रॉलीज हैं आपके पास, तो उसके लिए फिर अलग अलग डिवाइडर्स आते हैं, आप उसको अरेंज करके रख सकते हैं। ऐसे छोटे मोटे एक्सेसरीज बहुत सारे हैं किचन के लिए। ओके, ऑर्गेनाइजर्स और एक्सेसरीज, जैसे ड्रॉअर और एक्सेसरीज। यस यस, काफ़ी काफ़ी सारे। थैंक यू प्रवीण फॉर सच एन इनसाइड अबाउट किचन, जो हमारा दिल है उसे खुश कर दिया आपने
घर का दिल और हमारा भी दिल आपने खुश कर दिया है। तो मित्रों, और भी कोई सवाल या कुछ भी किचन के बारे में समस्या हो, आप कमेंट में लिखिए, हम कोशिश करेंगे प्रवीण जी से आंसर लेने का और आप तक पहुंचाने का। राइट फ्रॉम एस्थेटिक सवाल हो, फंक्शनल सवाल हो, आपको किचन कैसे बनाना है, किससे बनवाना है, जो भी आपको पूछना है, कुछ हार्डवेयर के बारे में डाउट्स है, हम ज़रूर आपको कॉन्टैक्ट करेंगे और आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करेंगे। साइनिंग ऑफ, राजेश भोसले फ्रॉम अनडिजाइंड विथ मिस्टर प्रवीण गासवा।